अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हों? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किशनगंज इज्तिमा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, किशनगंज बिहार में हर साल बहुत ही बड़ा इज्तिमा होता है। पिछले साल रसूलगंज में इज्तिमा हुआ, अब जो है लोचा में इज्तिमा होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा इज्तिमा। तो आज हम उसके बारे में बताएंगे, ये इज्तिमा कब से शुरू है, इज्तिमा की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुका है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको इज्तिमा की हर खबर चाहिए तो आप मौलाना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मौलाना चैनल से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह आपको हर इज्तिमा की खबर इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए प्यारे मुसलमान भाइयों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 2 मार्च और 3 मार्च दो रोज़ा लोचा किशनगंज बिहार में बहुत ही बड़ा इज्तिमा है। याद रखना, तारीख को 2-3 मार्च 2024 लोचा किशनगंज बिहार में बहुत बड़ा इज्तिमा है। उसकी जो तैयारियां हैं अभी से शुरू हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है इज्तिमागाह की तैयारियां जो कि अभी से शुरू हो गया है। अभी इज्तिमा होने में कम से कम जो है 1-1.5 माह बाकी है और अभी से ये काम शुरू हो गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस इज्तिमा की तैयारियां 1-2 माह से शुरू हो जाए वो कितना बड़ा इज्तिमा होगा। वो बहुत ही बड़ा इज्तिमा होगा। कम से कम उस इज्तिमा में 10 से 5 लाख तो मुसलमान भाई ज़रूर आएंगे, क्योंकि वैसे तो किशनगंज जो इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है, अक्सर वहाँ मुसलमान हैं। तो अगर इज्तिमा छोटा मोटा अगर किया जाए तो कम पड़ जाता है, क्योंकि वो मुसलमानों का एरिया है। तो कोई भी इज्तिमा होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमान भाई इज्तिमा में शरीक होते हैं। इसलिए उन लोगों ने बहुत ही बड़ा इज्तिमागाह बनाने के लिए अभी से ही काम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इज्तिमागाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, अभी से ही काम शुरू कर दिया। ये बहुत ही बड़ा इज्तिमा बनाया जा रहा है। मुझे वहां के रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि कम से कम इस इज्तिमा में 10 से 5 लाख मुसलमान भाई शरीक होंगे, क्योंकि हमारे इस इलाके में ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इज्तिमा में आते हैं। यानी यहाँ किशनगंज जो भी इज्तिमा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं। अभी पिछले साल जो है रसूलगंज में, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक हुए थे, तो इस इज्तिमा में भी आएंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस इज्तिमा को कामयाब बनाए, इस इज्तिमा को तमाम शुरू फितन से हिफाजत अता फरमाए। और आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस इज्तिमा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले के बयानात से अपने दिलों को मुस्तफीज फरमाएँ। ज़रूर इस इज्तिमा में आने की कोशिश करें और इस वीडियो को खूब सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही जल्द लोचा इज्तिमा में पहुँच कर इज्तिमागाह की बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा। जाए
Thank you.